बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं, हम खुश नहीं है। तो फिर आप कौन सी आवाम? मैंने देखा पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा। मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे शाहीन की बात अगर मैं करूँ, कोई भी हो शाहीन की जगह, चाहे शाहीन हो या ना, अब वो लड़का खुद इंग्लैंड गया, अपने टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है वहाँ पे, डॉक्टर के साथ उसने कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहां से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, और वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो कल हुआ ये है कि आपके जो सुपर से ऊपर इगोइस्ट रमीज राजा जो कहता है मैं, ये रमीज ये नवाज शरीफ भी कहा करते थे मैं, ये जो तोते की तरह मैं करते हैं ना, इस तोते की बड़ी ईगो होती है। इसमें पीसी भी कुछ नहीं कर रही, बड़ी हैरान की बात आपने बताया है जो लाला। ये नहीं है कि इंजर्ड हो जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस, ये रिहैब शाहीन खुद कर रहे हैं सारा कुछ, सारी कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर्स वगैरह, रहना सहना सब कुछ वो खुद कर रहा है, मुझे जो पता चला है अभी तक। एंड देन फिर मेरे ख्याल में कोई एक आधा दफा दो दफा जाकिर खान से बात हुई होगी, जाकिर खान ने बात की होगी, बस ये है। रमीश राजा 1 महीना 22 दिन बर्मिंगम में रहकर आए हैं और as far as I know पीसीबी वाज बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां तोला जाए इस चीज को। मुझे नहीं, मुझे जो पता है वो ये कि सारा कुछ वो खुद कर रहा है, यहां से मैं बैठ के डॉक्टर अरेंज कर रहा हूं वहां पे जो डॉक्टर ज़ैफ है, तो हम बड़े जबरदस्त जी डॉक्टर ज़ैफ सफर, बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो जो तारीफें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछले 2 हफ्ते में, जरा हम उनको वापस ले लेते। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी UAE में एशिया कप चल रहा था, जहां पर श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया था, और अफगानिस्तानी रोड पर आकर इसका जश्न मना रहे थे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा है, आजकल वो भारत की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। बात तो यहां तक आ गई है जब श्रीलंका से फाइनल हारने के बाद एक इंडियन रिपोर्टर ने रमीज राजा से सवाल किया कि आप इस हार के बाद पाकिस्तानी जनता से कुछ कहना चाहेंगे, तो रमीज राजा का जवाब उल्टा ही था। उन्होंने उस रिपोर्टर को कहा कि आप तो इंडिया से हैं, आप सब तो आज बहुत खुश होंगे। रमीज राजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने उस भारतीय पत्रकार का फोन भी छीन लिया। इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब जब वर्ल्ड कप T20 के लिए पाकिस्तान की टीम चुनी गई है, तो वहीं के पाकिस्तानी मीडिया के लोग क्या क्या बुरा भला कह रहे हैं। उनमें से एक नाम शाहिद अफरीदी भी है, जिसने मीडिया में खुलेआम आकर रमीज राजा की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अच्छे से ले लिए। शाहीन शाह अफरीदी जो शाहिद अफरीदी के दामाद बनने वाले हैं, आजकल इंजर्ड चल रहे हैं और उनका इलाज लंदन में चल रहा है। रमीज राजा के हिसाब से सारा खर्च पीसीबी उठा रही है, मगर रमीज राजा की इस झूठ की भी शाहिद अफरीदी ने पोल खोल दी है और मीडिया के सामने आकर खुलकर कह दिया है कि सारा खर्च शाहीन अफरीदी खुद उठा रहा है। अब रमीज राजा कहां छुपेंगे। थोड़े दिन पहले तक रमीज राजा ने भारत से बहुत पैसा कमाया था, मगर अब भाई साहब के तेवर ही बदल गए। जो खबर आगे हुआ ये है कि कल कई दफा टीवी पे फ्लैश हुआ है, अभी ट्विटर पे भी है, लेकिन कोई बंदा वो पॉइंट नोट नहीं कर सका जो पॉइंट है असल में, कि सौरव गांगुली BCCI के जो प्रेसिडेंट है वो भी बैठे हैं। लोग कह रहे हैं BCCI और PCB का प्रेसिडेंट बैठे हैं, लोगों ने ये नहीं देखा कि सौरव गांगुली फ्रंट रो में है, रमीज राजा बैक रो में है। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी मैच चालू था, अभी पाकिस्तान के हारने का दूर दूर तक कोई इम्कान जिसको समझ नहीं थी या जो देखें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी की रीडिंग गलत है, रीडिंग सही भी हो, यानी पाकिस्तान मैच में था, हम इसको आसान कर लेते हैं, ऐसा नहीं था कि यह बात सच है, पाकिस्तान वॉज वेरी मच इन द गेम जब तक मैच चल रहा था। अब यूं कह लेना 147 पे वहीं से हमारा सफर स्टार्ट हुआ, 147 अगेंस्ट इंडिया, वहीं पे हमारा सफर खत्म हुआ, ऑल आउट 147 अगेंस्ट श्रीलंका, ऑल आउट, टाटा बाय बाय। रिजवान वो बैठा पीछे बैक सीट में बैठा, फ्रंट सीट में बैठे सौरव गांगुली। तो भाईजान ये आपकी ईगो को बड़ी बुरी तरह लगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही वो था, आप यहां बैठते हैं, मैं यहां बैठता हूं, लोग हमेशा कहते हैं यू आर राइट, बट रिजवान सिट ऑन राइट, भाई ये राइट एंड लेफ्ट नहीं होता, कई दफा आप इधर होते हैं मैं उधर होता हूं, सो हाँ होटल के कमरे में मेरा ख्याल है जब से हम बना रहे हैं शायद मैं इधर ही होता हूं। रमीज राजा की सख्त ईगो को ठेस पहुंची, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मैं इसको रिजवान साहब ये नेशन के लिए लिखता था, मैं बहुत अच्छी तरह इनको जानता हूं, ये जो ऊपर से इनकी मुस्कुराहट होती है उसके पीछे कितना वो होता है ये मुझे पता होता है। एक्चुअली इसको लगी, फिर देखें जर्नलिस्ट, आपने भी तो रोहित शर्मा से सवाल किया था, नहीं किया था भाई, उनकी टीम की सिलेक्शन पे, उनकी टीम के बैटिंग ऑर्डर पे आपका सवाल बनता था। वैसे कह रहा हूं अगर वो आपको एज ए पाकिस्तानी लेता तो तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले कि मेरी टीम, तुम अपनी टीम का बैटिंग ऑर्डर कह सकता था ना, एक बात है। तो ये रमीज ने जो किया भाईजान, तो भाईजान ये भी